हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एलजेब्रा पढ़ाऊंगी। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बिल्कुल बेसिक से उसमें सिखाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे सीख सकते हैं। आगे आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं सभी क्वेश्चन लॉजिक से कराऊंगी। कोई ट्रिक नहीं, कोई कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, आपको ये दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको दिया क्या है, x1, x2, x3 दे रखा है, x1, x2, x3 दे रखा है। बेटा आप x1, x2, x3 की ऐसी वैल्यू सोच लीजिए कि यहाँ और यहाँ रखने पर इक्वल आ जाए। तो बेटा 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आएगा, तो क्या रख के देखें। तो बेटा आप x1, x2 और x3 की जगह 4 रख के देखो, LHS RHS के इक्वल आएगी। करके देख लेते हैं, x1, x2, x3 की जगह 4 रखते हैं। तो बेटा यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, बिल्कुल वही बात हम यहाँ भी कर लेते हैं, ये LHS में कर रहे हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। अब बेटा RHS में कर लेते हैं, तो ये 4, यहाँ 4 रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा और यहाँ रखा, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने हो गए बेटा, ये हो गए 16। और मल्टीप्लाई करोगे 64। आप ध्यान दीजिए बेटा, LHS भी 64 है, RHS भी 64 है। इसका मतलब ये हुआ, आप x1, x2, x3 की जगह यदि 4 रखते हैं तो इक्वेशन संतुष्ट होती है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन यही होगा, कहने का मतलब ये वैल्यूज ही होगी, x1, x2, x3 क्या होगा, 4। हमसे बच्चों ये पूछा है, तो x1 की जगह क्या रख दें, यहाँ पे 4 रख देते हैं, x2 की जगह क्या रख दें बच्चों, 4 रख देते हैं, x3 की जगह पे क्या रख दें बच्चों, 4। तो 4 रख दिया। अब बेटा कितने हो गए, ये हो गए बेटा 6, ये भी हो गए 6 और ये भी हो गए 6। अब बेटा आप कितनी बार लेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बार आ रहे हैं, है ना। अब 3 के टेबल से काट देते हैं, आपका सॉल्यूशन बच्चों 1/2 है। आपको इस क्वेश्चन में ए माइनस बी दे रखा है, ए इंटू बी दे रखा है, आपसे ये पूछा है। बच्चों एक तरीका है कि आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, उसमें वैल्यू वगैरह डालो, कुछ एडजस्टमेंट हो तो वो करो, तो सॉल्यूशन आएगा, लेकिन हम लॉजिक से करेंगे। आप ए और बी की वैल्यू ऐसी ढूंढ लीजिए जिनका डिफरेंस 3 हो, जिनका अंतर 3 हो, और मल्टीप्लीकेशन कितना हो, 28। तो बेटा ए आपका 7 होगा और बी आपका 4 होगा। कैसे, ए माइनस बी कीजिए, तो ए माइनस बी करोगे तो 7 माइनस 4, ये देखिए डिफरेंस कितना आया, 3, तो डिफरेंस 3 आ रहा है, ये वाली बात तो हो गई। अब मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, ए इंटू बी, ए आपका 7 है, बी आपका 4 है, ये हो गया 28। मल्टीप्लीकेशन भी 28 आ रहा है, इसका मतलब हमने ए और बी की जो वैल्यू चूज करी बेटा वो सही है। बस यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, ए की जगह डाला बेटा 7 और बी की जगह डाला मैंने 4, और बेटा 7 का क्यूब होता है 343, माइनस की जगह माइनस, 4 का क्यूब होता है 64, और दोनों को अब क्या करो, घटा दो, घटाओगे तो आएगा 279। आपको इस क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है, आपको बोला है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन लॉजिक से करेंगे बेटा, 20 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 2 × 10, 50 को क्या लिख सकते हैं 5 × 10, और 60 को बच्चों 6 × 10 लिख लिया। अब क्या करोगे, अब बेटा आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए कि इसको आप 10 समझ लीजिए, इसको मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड यदि 10 है, यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 10 है, तो हम लॉजिकली बात करें, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 10 है तो x क्या होगा, 2 होगा, कंपैरिजन करके देख लो, तो x पता चल गया बच्चों 2 है।
अब बेटा x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, कंपैरिजन करोगे थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो y क्या होगा, y होगा बेटा 5, तो y 5 हो गया, बिल्कुल वही बात। x प्लस वाई प्लस जेड यदि 10 है तो z क्या होगा, तो बेटा z होगा 6, और आपने पता कर दिया x कितना है 2, y है 5 और z है 6। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे आप सिंपल करते हो तो बड़ी सी इक्वेशन बनेगी, क्वेश्चन लॉजिकली करेंगे कैसे बेटा, आप ध्यान दीजिए ये आपको दिया है, इसको आपको निकालना है। सबसे पहले 343 को क्या लिख सकते हैं बेटा, तो लिख सकते हो आप 7 की पावर 3, लिख दिया। अब बेटा पावर के ऊपर यदि पावर है तो पावर का होता है मल्टीप्लाई, तो बेटा इनका मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए 3 पावर से 3 पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा 7 बचा बच्चों। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए c-7, तो बेटा c तो ये है, ये प्लस का 7 है इधर जाएगा तो माइनस का, और ये प्लस का 1/c है उधर गया तो माइनस का, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, ये देखिए c-7 को बेटा हम ये लिख सकते हैं -1 अपॉन c, और पावर कितनी बेटा 7, और ये लिख लेते हैं, है ना। अब क्या करोगे बेटा, माइनस की पावर ऑड है, ऑड का मतलब 7 ऑड नंबर होता है, तो माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस साइन आता है, और 1 की पावर 7 का मतलब 1, और c की पावर 7 ये लिख दिया मैंने, और ये साथ में इसे भी लिख दिया मैंने, है ना। अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, आपका सॉल्यूशन 0 है। इस क्वेश्चन में a+b=1 दे रखा है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। यदि आप क्वेश्चन फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हो तो बहुत फॉर्मूले लग जाएंगे, क्यों, क्योंकि a³ + b³ का भी लग जाएगा, a² - b² का भी लगेगा, उसके बाद भी आपको इक्वेशन प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि a × b भी है, है ना। तो फिर हम लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक क्या कहता है कि a और b ऐसे नंबर लो बच्चों, ऐसे सरल नंबर ले लो जिसका सम क्या बन जाए, 1 बन जाए, इस तरह से सोचो। यदि a आप 0 मान लेते हो बेटा तो b को 1 मान लो, अब दोनों को जोड़ो a+b करो तो 0 + 1 = 1 हो गया। इसका मतलब हमें जो इक्वेशन दी है वो इनसे सेटिस्फाई है, संतुष्ट है बेटा, तो अब संतुष्ट है, 1 आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ रख सकते हैं, तो रख देते हैं, a की जगह 0 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस b की जगह बेटा 1 रखा, बेटा a की जगह 0, b की जगह 1, a की जगह 0, b की जगह 1, और ये होल स्क्वायर, तो बेटा ये तो 0 हो गया, हटा देते 1 का क्यूब 1, और ये देखिए ये पूरा 0 है, 0 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये पूरा 0 हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन 1 है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये कंप्लीट इक्वेशन दे रखी है, आपसे k की वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व करेंगे, ये सभी पार्ट बच्चों आपस में इक्वल है, तो आप a b और c की ऐसी वैल्यू ढूंढ लो कि यहाँ रखने पे सारे पार्ट इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा b² है पहले, तो ठीक है सही कर लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं, a=1 b=1 और c=1 रख के देखते हैं क्या सारे पार्ट इक्वल हो रहे, होने चाहिए तभी हमारी वैल्यू सही होगी, क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। तो बेटा हम क्या करें, यहाँ पे 1 रखें तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सभी जगह 1 रख दिया, यहाँ b की जगह 1, c की जगह 1, a की जगह 1, यहाँ पर भी c की जगह 1, a की जगह 1, और बेटा b की जगह 1, और इक्वल टू में क्या है 3/2 के, हमें k की वैल्यू ही पता करना है बच्चों। तो सिंपल बात, ये तो 1 बन गया और ये 1 बन गया, 1 + 1 2 हो गया, कुल मिला के बेटा ये 2 है, ये भी तो 2 ही है और ये भी तो 2 ही है, इसका मतलब हमने जो वैल्यू चूज करी बेटा a b c की वो सही है, क्यों, क्योंकि तीनों पार्ट्स इक्वल आने चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हो गई बात। अब पहले दो हिस्से इक्वल कर लो और k निकाल देते हैं, इनको ले लेते हैं 2 = 3/2 k, बेटा इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा 4k इक्वल टू 3, 2 इंटू 2 4 और ये हो गया k। 4 को अपॉन में डाल दो, k की वैल्यू आ गई बेटा 3/4। आपको इस क्वेश्चन में ये दे रखा है बच्चों, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन लॉजिक से करेंगे, आप ऐसा सोचिए कि a की जगह हम क्या रखते कि सम 2 हो जाए। तो बेटा a की जगह आप 1 पुट करके देखिए, तो बेटा ये 1 का क्यों, यहाँ भी रखोगे तो 1 का क्यों, ये 1 हो गया बेटा और ये भी 1 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप a की जगह 1 रखते हो तो इक्वेशन जो आपको दी है वो संतुष्ट हो रही है, हम a इक्वल टू 1 ले सकते हैं, बस यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। a की जगह 1 रखा और बेटा यहाँ भी a की जगह 1 रखा, तो बेटा ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और 1 और 1 कितने हो गए बेटा, ये 2 हो गए, और 2 का स्क्वायर 4 और नीचे भी कितना आएगा 4, और 4 से 4 कैंसिल, आपका सॉल्यूशन 1 है। तो इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखी है, हमसे x की वैल्यू पूछी है। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, थोड़ा ध्यान से समझना। सी में बोला है बेटा क्वेश्चन, तो x की वैल्यू क्या ले लें हम इधर कि ये बन जाए, तो x पता चल जाएगा हमें, तो बेटा x की जगह हम c ले लेते हैं और LHS में रख के देखते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे c रखा और बेटा यहाँ पे भी c रखा, तो आप ध्यान दीजिए LHS में आपने x की जगह c रखा बेटा, आपको RHS मिल गई, ये देखिए मिल गई, मतलब आपका आंसर x इक्वल टू कितना होगा, c, संतुष्ट कर रहा है इक्वेशन को, ठीक है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, हम बेटा x की जगह 1/c भी ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, लेके देख लेते हैं। LHS की जगह बेटा हम x की जगह हम रख रहे हैं, LHS में रख रहे हैं, तो x की जगह बेटा 1/c रखा प्लस ये 1 और इस x की जगह भी 1/c रखा, ठीक है। अब क्या होगा, ये 1/c प्लस 2/ है, तो नीचे लिखा हुआ जो भी नंबर है, a है b है नंबर है कुछ भी है, वो बेटा ऊपर चला जाता है, तो ये c कहाँ चला गया, ऊपर, तो नीचे तो 1 बचा, मतलब क्या बचा, c बचा। आप ध्यान दीजिए, जब x की जगह 1/c रखा आपने LHS में, RHS बन गई। ध्यान से देखिए, c की जगह c है प्लस 1/c है, वही बात है, आगे पीछे प्लस में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, वही बात है। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू c के अलावा क्या है, 1/c भी होगा। आपको इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी है, हमें x क्यूब निकालना है, हम लॉजिक से क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको कुछ मान लेते हैं, क्या मान ले, a मान लेते हैं, किसको, 2x/3 को a माना, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका उल्टा लिखा है, ये 2x/3 है, तो ये 3/2x है, तो बेटा इसको हम a लिखें, तो ये इसका उल्टा है, तो ये क्या होगा, 1/a और इक्वल टू कितना, -2। अब क्या करना है, अब बेटा आप ये सोचिए कि a की जगह हम क्या रख दें कि -2 मिल जाए, जोड़ने पर, काय पे, जोड़ने पर -2 मिल जाए। तो बेटा a इक्वल टू आप -1 पुट करके देख लो, तो रख देते हैं -1, यहाँ पर भी -1 रखा, तो बेटा ये प्लस ये माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये प्लस ये माइनस, माइनस ये हो गया 1, ये -1 ये -1 हो गया -2। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये कि आप a की जगह -1 रखते हो तो इक्वेशन जो है वो संतुष्ट हो रही है, मतलब a कितना है, -1 है। अब बेटा इस a की जगह क्या रखते हैं, हम -1 रख देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, a की जगह बेटा हमने रख दिया -1 क्योंकि संतुष्ट हो रही है, तो यहाँ रख देते हैं -1 इक्वल टू 2x/3। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई में डाल दो, और 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है बच्चों, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है। ये कितने हो गए, ये हो गए बेटा -3। हमें x मिल चुका है, अब क्या करोगे, बस x क्यूब पूछा है उसमें वैल्यू डाल देते हैं, x की जगह ये डाल देते हैं -3/2 और पावर कितनी है, 3,
माइनस की पावर ऑड है, ऑड है तो माइनस साइन आता है, और 3 की पावर 3 बेटा 27, और 2 की पावर 3 मतलब 8। आपका सॉल्यूशन बच्चों -27/8 है। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन लॉजिक से ही हो पाएगा। तो लॉजिक क्या कहता है, आप 5x की जगह बेटा ऐसी कोई वैल्यू रख के देखिए कि जोड़ने पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो बेटा 5x की जगह पे क्या रख के देख लो, 1 पुट करके देख लो। तो रख देते हैं, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे भी 1 रखा, और बेटा यहाँ पर भी 1 रखा। अब 1 की पावर 2, 1 0 है मतलब 1 ही हुआ, ठीक है। अब 1 की पावर 120 है मतलब बेटा ये 1 ही हुआ, कुल मिला के सॉल्यूशन 1 हुआ, है ना। और बेटा 1 की पावर 450 है मतलब सॉल्यूशन 1 हुआ। अब इन तीनों को जोड़िए, सॉल्यूशन कितना आया, 3। इसका मतलब LHS से RHS बन रही है कब, जब 5x=1 रख रहे हो, ठीक है। तो 3 आ रहा है बेटा, इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं वो सही है, 5x=1 सही वैल्यू है। अब इसमें हम रख देते हैं 5x की जगह बेटा क्या रखते हैं, सिर्फ 1 रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं 1+3 का स्क्वायर। तो बेटा ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। आप इस क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आपको ये दे रखा है बेटा, आपसे कहा है ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है तो सी क्या होगा वो बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि ये इक्वेशन कब संतुष्ट होगी। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, ए की जगह 1 और सी की जगह 1 पुट करके देखिए क्या इक्वेशन संतुष्ट हो रही है। क्यों 1 ही क्यों रखते, 0 क्यों नहीं रखते, 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, 180 के इक्वल कैसे करोगे, ठीक है। संतुष्ट होना चाहिए इक्वेशन। दूसरी बात, कोई और नंबर रख के देखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सबसे पहले छोटा नंबर रखो और चेक कर लो, मामला वही अगर सुलझ जाए तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो ए की जगह 1 और सी की जगह 1 रख रही हूँ, तो रख के बताती हूँ बेटा, मैं ए की जगह यहाँ 1 रखूंगी तो 1 का क्यूब और ये हो गया बी, इक्वल टू ए की जगह 1, बी की जगह बी और सी की जगह 1। अब आप ध्यान दीजिए, तो बी बन जाएगा बेटा, ये भी बी बन गया और ये 180 बन गया। आपको बात समझ में आई, बात आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि b इक्वल टू b हो सकता है और b कितना है 180 के इक्वल। बेटा ये दोनों आपस में इक्वल और ये 180 के इक्वल, तो ये भी तो इसके इक्वल है ना। कहने का मतलब b 180 बता रहा है। ये इक्वेशन संतुष्ट हो रही है सिर्फ कब, जब a 1 और c 1 है। हमसे c की वैल्यू पूछी है तो c कितना हुआ बेटा, 1। आपको इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखी है बच्चों, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इसमें सोचें कि हम क्या x और y की जगह रख दें कि जोड़ने पे हमें बेटा 4 मिल जाए। तो मुझे समझ में आ रहा है, यदि मैं x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट कर दूं तो मामला हो जाएगा सॉल्व कैसे। x की जगह बेटा यहाँ 1 रख देते हैं, यहाँ भी x की जगह 1 रखा, यहाँ y की जगह बेटा 1 रख रही हूँ, यहाँ भी रख दिया y की जगह 1, ठीक है। अब 1 की पावर 104 है, क्या होगा 1 होगा, ये भी क्या होगा 1 होगा बेटा, ये भी क्या होगा 1 होगा और ये भी होगा 1। तो आपको समझ में आ गया, इन सबको जोड़ोगे 4 आएगा। तो बेटा LHS से RHS बन रही है कब, जब x 1 और y 1 रख रहे हो, तो RHS 4 बन गई। इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं, हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो सही है, x 1 और y 1 लिया जा सकता है। अब क्या करोगे बेटा, सिर्फ यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, x की जगह 1 डाल देते हैं यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस y की जगह भी 1 लिख देते हैं। तो बेटा ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, 1+1 मतलब 2। आपका सॉल्यूशन बच्चों √2 है। आपको इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी है, वो है x + y = 3।
हम लॉजिक से करें तो हम ये सोचें कि x और y को हम क्या रख दें कि उनका सम बेटा हमें 3 मिल जाए। तो ऐसा होता है, हो सकता है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 रख दें, तो हो सकता है। हो सकता है कैसे, x की जगह आप 1 रखोगे और y की जगह 2 रखोगे तो आ जाएगा आपका 3। उल्टा भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, x की जगह 2 और y की जगह 1 रखो। हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा सम 3 बनाना है, तो बेटा इनसे बन ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 ले सकते हो, इसका उल्टा भी ले सकते हो, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 उल्टा भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम इनमें से कुछ भी रख सकते हैं, तो हम ये रख देते हैं, x की जगह बेटा यहाँ पे रख देते हैं 2 का क्यूब हो गया ये, y की जगह बेटा 1 का क्यूब 9 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 2 और y का मतलब बच्चों 1, तो बेटा 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब 1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 18। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 18 जोड़ोगे 27 आपका सॉल्यूशन है। बच्चों इस क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, क्वेश्चन लॉजिक से ही करेंगे। हम x और y की जगह सबसे सिंपलेस्ट क्या रख दें कि 2017 आ जाए। तो बेटा आप सिंपलेस्ट में चलो तो 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, मामला उलझेगा। मामला क्यों उलझेगा बताऊं मैं आपको, जैसे 1 से स्टार्ट करते हो तो यहाँ 1 रखोगे तो y आएगा 2016, है ना, आपकी इच्छा है वो रख दो, कुछ भी रख दो आएगा तो सॉल्यूशन। चलिए 1 ही रख देते हैं x की जगह, x की जगह आप 1 रखते हो तो y क्या रखोगे बेटा, तो देखिए यहाँ 1 रखोगे तो y क्या रखना पड़ेगा, इधर 1 जाएगा, 1 कम रखना पड़ेगा 2016, है ना, वो रखना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन संतुष्ट हो रही है, रख के देख लेते हैं, x की जगह 1 और y की जगह 2016 और दोनों को जोड़ोगे 2017, हो गया हमारा काम, हमें पता चल चुका है। हम इसका उल्टा भी कर सकते थे, हम y की जगह 1 और x की जगह 2016 रख सकते थे, हम और भी कुछ कर सकते थे, x की जगह 0 रख लेते तो y आ जाता 2017, जैसा अच्छा लगे। इक्वेशन संतुष्ट कर लो बस, आगे चले। अब हम x की जगह बेटा क्या रखते हैं, x की जगह 1 रख देते हैं और बेटा y की जगह क्या रखते हैं 2016। तो बेटा ये तो माइनस 1 आएगा, ये प्लस, माइनस की पावर ये क्या है, इवन पावर है बेटा, माइनस की पावर जब भी आपको इवन मिले सॉल्यूशन क्या होता है, प्लस होता है बेटा, और यदि माइनस की पावर अगर आपको ऑड मिलती है तो सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस 1 होता है। माइनस की पावर अभी तो हमें क्या मिली, इवन मिली, 2016 इवन पावर है। इवन पावर क्या होती है, जो पावर 2 से डिवाइड हो जाए कंप्लीट, वो सारी पावर इवन होती है, और ऑड क्या होती है, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होती वो सारी पावर ऑड पावर होती है। तो बेटा इवन पावर है ये 2016, कंप्लीट 2 से डिवाइड हो रहा है, पावर इवन है, सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों, प्लस 1, तो बेटा 1 आ गया, है ना, ये दोनों कैंसिल, टोटल सॉल्यूशन आपका 0 है। क्वेश्चन में इक्वेशंस दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बेटा आपको दिया क्या है, आपको 3 वेरिएबल दे रखे हैं x y z, आपको इस क्वेश्चन को लॉजिक से करना है तो आपको मेरी बात पे ध्यान देना होगा। 3 वेरिएबल दे रखे हैं बेटा, तो पीछे से कोई 2, पीछे से 2 तो y और z है, इन्हें आपको क्या मानना होगा, 0 मानना होगा। मान लिया जाए कि पेपर में 2 वेरिएबल दे रखे हैं तो पीछे से आपको 1 को 0 मानना होगा, मतलब y को क्या मानना होगा, 0। तो क्वेश्चन सॉल्व होता है इस तरह के। तो फिलहाल तो अभी हमें क्या दे रखा है बेटा, x y z, 3 वेरिएबल क्वेश्चन में है, पीछे से 2 लो और उनको 0 मान लो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या, y को 0 और z को 0 मानना है, तो y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 माना और इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमें p q r पता चलेगा, जिसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बेटा y और z की जगह दोनों जगह 0 रखा तो ये तो हट जाएगा, p आ गया माइनस x, y और z की जगह 0 रखा तो q पता चल गया प्लस x या x, है ना, y और z दोनों की जगह 0 रखा तो हमें r भी पता चल गया,
अच्छे से लिख लेते हैं, ये नेगेटिव एक्स मिला, ये पॉजिटिव और ये एक्स, ठीक है। अब ये हमें मिल चुके हैं, अब क्या करना है, अब बेटा हम इसमें वैल्यू डालते थे, इसमें मतलब इक्वेशन वन में एक्स क्यूब ऐसे ही लिखा, बेटा वाई की जगह क्या डाल दे, जीरो, और जेड की जगह भी जीरो, तो ये दोनों जीरो हटा देते हैं, यहाँ क्या थ्री वन प्लस एक्स है ना, वाई और जेड की जगह हम क्या रखेंगे जीरो, तो जीरो इंटू जीरो ऐसा हो जाएगा, मतलब ये पूरा जीरो, कुल मिला के हमें वन मिला, थ्री इंटू वन मतलब थ्री मिला, ठीक है। तो हमें ये मिल गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, पी क्यू मतलब बेटा माइनस एक्स का क्यू, वैल्यू डाल रहे हैं हम, प्लस क्यू, क्यू मतलब एक्स और उसका क्यू, आर, आर मतलब एक्स और उसका क्यू, थ्री पी क्यू आर मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या होगा एक्स क्यूब, लेकिन माइनस भी है तो माइनस एक्स क्यूब हो गया। अगली स्टेप में बेटा माइनस की पावर क्या है, ऑड है, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस आता है, लगा दिया, बाकी लिख देते हैं, ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखो बच्चों ये कट गए, ये एक एक्स क्यूब और तीन एक्स क्यूब बेटा चार एक्स क्यूब हो गए, फोर की जगह फोर एक्स क्यूब की जगह क्या रख सकते हैं बेटा, हम थ्री रख सकते हैं, तो थ्री रख दिया, और फोर इंटू थ्री ट्वेल्व आपका सॉल्यूशन है।